स्वाति सिंह, हम अपने ये वाले टॉपिक के अंदर एजुकेशनल मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है, इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आप मेरे 5 से 6 वीडियोस देख सकते हैं मेथड्स के ऊपर कि हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस कर लिए हैं, उनके अवगुण क्या हैं, गुण क्या हैं, वो क्यों यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है और टीचर को कैसे हेल्प करती है, उसके सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है क्रॉस सेक्शनल मेथड, यानी कि अनुप्रस्थान काट विधि। ओके, इसके अंदर क्या है, इससे पहले वाली वीडियो आप मेरी चेक करेंगे तो उसके अंदर आपने लॉन्गिट्यूड मेथड देखा होगा जो कालानुक्रमित विधि थी, तो उसके अंदर जो मैंने बातें बताई थी ये उसका बिल्कुल अपोजिट मेथड है। बिल्कुल अपोजिट यानी कि उल्टा मेथड है, जो जो चीज़ें उसमें रखी गई थी यहाँ पे उसका अपोजिट है। मतलब कालानुक्रमित विधि के अंदर जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसमें भी है लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ थी, जो भी एक समूह बनाया जाता था, बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता था कि पांच बच्चों का ग्रुप हो, 6 बच्चों का हो, 4 बच्चों का या 10 बच्चों का, जितने का भी ग्रुप बनाया जाता था, वो सब सेम एज के, सेम मेंटल एबिलिटी के, सेम आर्थिक सामाजिक स्थिति के बच्चे होते थे। लेकिन इस वाले जो विधि है इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल मेथड के अंदर जो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं उनकी एज भी डिफरेंट होती है, उनका मेंटल एबिलिटी भी डिफरेंट होती है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर भी डिफरेंट होता है, ऐसे बच्चे ले जाते हैं। मीन्स इस मेथड के अंदर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए 8वीं क्लास का बच्चा ले सकते हैं, 10वीं का, 12वीं का, 1ली क्लास का, ऐसे करके एक अलग अलग ग्रुप से बच्चे लेकर एक ग्रुप बनाते हैं कंट्री करके और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हमें अपने भी जो भी कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स या तत्वों को ऑब्जर्व करना है वो अलग अलग टाइप के बच्चों को हम एक ग्रुप के अंदर रख कर उसके लिए एक ग्रुप बनाते हैं। तो उसके अंदर एक साथ इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हम एक साथ एक समय पर कई बच्चों के ग्रुप बनाकर उसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर सभी समूह के अध्ययन किए जाने में व्यवहार का मापन कर आपस में तुलना करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हमने मान लीजिए 3 बच्चे रखे हैं, ये वाला आपका 8th क्लास का है, ये 10th क्लास का है, ये 12th क्लास का है। अब आपको पता है कि 8वीं क्लास के बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग होगी, 10वीं क्लास के बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग होगी, IQ लेवल डिफरेंट होगा, ऐसे ही 12वीं क्लास के बच्चे की मेंटल एबिलिटी, IQ लेवल, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्या है, तीनों की अलग अलग हो सकती है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जिन भी शील गुणों या व्यवहार परिवर्तन या कुछ भी आपको गुणों का अवलोकन करना है वो करने के बाद आप इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि 8वीं क्लास के बच्चे में किस रूप से परिवर्तन आया, 10वीं क्लास के बच्चे से किस रूप में परिवर्तन आया और 12वीं क्लास के बच्चे से किस रूप में परिवर्तन आया। एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, इनके बीच कितने साल का गैप है, 2 का, और 10वीं और 12वीं के बीच कितने साल का गैप है, 2 का, लेकिन 8वीं और 12 के बीच कितने साल का गैप है, 4 का। तो ये जो गैप है आप इसको भी मेंटेन करते हुए चलेंगे कि 2 साल का गैप तो ऑलरेडी है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे जो एज और मेंटल एबिलिटी का डिफरेंस है वो तो देखने को ही मिलेगा। क्या आपको अवलोकन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा जब आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, तब आपको उससे भी ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, मतलब उससे ज़्यादा डिफरेंसेस कुछ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, इतना डिफरेंस कैसे हुआ। वहाँ पे ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि क्या पता वो बच्चा, एक होते हैं ना स्पेशल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो वो चीज़ भी इस स्थिति में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, दास्ता समूह होता है। देखिए दास्ता समूह मैंने आपको लॉन्गिट्यूड मेथड में बताया था कि दास्ता समूह क्या होता है। दास्ता समूह में जो हम अलग अलग ग्रुप को रखते हैं कि एज ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए और सोशल और उसका जो भी सोशल और उसके जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है,
कॉग्निटिव, इस तरह के डेवलपमेंट जो सारे हम रखेंगे वो सभी रूप में क्या है, अलग होने चाहिए। हम कभी भी इस ग्रुप के अंदर या क्रॉस सेक्शनल मेथड के अंदर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम कोई भी ऐसे बच्चे को नहीं रखेंगे जो सेम हो, या फिर हम एक ऐसे समय अवधि वाले बच्चे को नहीं रखेंगे जिनका समय अवधि भी सेम हो। मतलब अगर मैंने आपको पिछले मेथड में बताया था कि अगर मैं 1992 की बर्थ के एज ग्रुप की हूँ, एक टाइम पीरियड की हूँ समय अवधि की, तो मेरे साथ उसमें लॉन्गिट्यूड मेथड के अंदर सारे बच्चे जो रखे जाएंगे वो 1992 के एज ग्रुप के ही रखे जाएंगे। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग आप 1992, 1994, 1993, 1991 ऐसे कोई भी समय अवधि के बच्चों को रख कर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा ही मेथड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसको इन शॉर्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि लॉन्गिट्यूड मेथड का बिल्कुल अपोजिट है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें रखते हैं कि वहाँ पे आपको सेम ग्रुप के बच्चों को रख के एक्सपेरिमेंट करना था और इसके अंदर क्या है, आपको डिफरेंट बच्चों को रख के एक्सपेरिमेंट करना है। अब इसके गुण अवगुण देख लेते हैं, इसकी कोई अवस्थाएँ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा बिकॉज मैंने आपको इतना समझा दिया है कि जब आप सेम अलग अलग ग्रुप के बच्चों को रखेंगे तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या हैं जज कर सकते हैं। अगर भाषा विकास का आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि बच्चों के अंदर कितना भाषा विकास हुआ, तो ऑफकोर्स सी बात है जो आपके पास 8वीं क्लास का बच्चा है उसका भाषा विकास 10वीं के अकॉर्डिंग कम ही होगा और जो 10वीं का है वो 12वीं के अकॉर्डिंग कम होगा। तो इसीलिए 10वीं और 8वीं से ज़्यादा 12वीं क्लास के बच्चे के अंदर भाषा विकास ज़्यादा होगा, उसकी चिंतन क्षमता भी ज़्यादा होगी, उसकी शारीरिक संवेगात्मक पावर भी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। अब इसके हम गुण अवगुण समझ लेते हैं। इसका पहला गुण है समय की बचत। लॉन्गिट्यूड मेथड में सबसे ज़्यादा समय लगता था क्योंकि हम एक समय में बच्चों का जो ग्रुप बनाते थे उसमें हमें अलग अलग ग्रुप बना डिवाइड करने पड़ते थे कि 8वीं का एक बार कर लिया, 10वीं का एक बार कर लिया, 12वीं का एक बार कर लिया, और एक बहुत टाइम लंबा पीरियड के लिए हम लोग रखते थे। तो उसमें क्या था, हमें ऑब्जर्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता था उनका बिहेवियर को क्योंकि लास्ट में जाके हम तुलनात्मक अध्ययन करते थे। लेकिन इसमें समय की बचत हो रही है क्योंकि हम एक ही साथ अलग अलग ग्रुप के बच्चों को रख के अध्ययन करते हैं कि 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसीलिए जब उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, देखिए लॉन्गिट्यूड मेथड में आपने क्या किया कि 8वीं क्लास के बच्चे का 10 साल तक अध्ययन किया, 10वीं क्लास के बच्चे का 10 साल तक अध्ययन किया और 12वीं क्लास के बच्चे का 10 साल तक अध्ययन किया। अलग अलग ग्रुप बनाकर आपने इन बच्चों का जो ग्रुप था 5 बच्चों का ग्रुप बना लिया, इसका भी 5 बच्चों का बना लिया, इसका भी 5 बच्चों का बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको टोटल टाइम देना पड़ा अपने मेथड को अप्लाई करने के लिए या अपने मेथड्स को लास्ट में जाके इवैल्यूएट करने के लिए, तो आपको 30 ईयर्स का वेट करना पड़ा। 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, फिर 30 साल बाद जाके आप कहीं ना कहीं फिर उनका इवैल्यूएशन करके तुलनात्मक अध्ययन करोगे। लेकिन क्रॉस सेक्शनल मेथड के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि 8वीं क्लास का बच्चा आपने रखा, एक 10वीं क्लास का बच्चा लिया और एक 12वीं क्लास का बच्चा लिया, तो इनको अलग अलग समय पर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको क्या है एक साथ हम अध्ययन कर सकते हैं 10 सालों के लिए। तो आपका अलग अलग बच्चों को लेकर टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 10 साल लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा हमारे 20 ईयर्स सेव हो गए। तो इसमें क्या हुआ, आपकी समय की बचत हो रही है क्योंकि उस वाले मेथड में आप अलग अलग कर रहे थे, आपको 30 साल लगे, इस वाले मेथड में आपने तीनों बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ इवैल्यूएशन कर दिया कि इसमें ये परिवर्तन आया, इसमें इतना, इसमें इतना, तो आपका टाइम भी कम लगा और आपको जल्दी 10 साल के अंदर ही रिजल्ट प्राप्त हो गए। जो सेकेंड पॉइंट आता है हमारा वो आता है धन का खर्च कम। अब आपको पता है धन का खर्च कैसे कम होगा, धन का खर्च कम क्योंकि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को 30 सालों के लिए कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपका मनी जो पैसा लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा तो पैसा भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, नई नई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, समय अंतराल के बाद चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको 10 ईयर्स के लिए ही सेव करना पड़ेगा अपना पैसा, तो
यहाँ पे आपका टोटल जो मनी का सेविंग हो रही है 20 ईयर्स, मान लीजिए मनी की सेविंग हो गई, जो 20 साल आप लॉन्गिट्यूड मेथड के अकॉर्डिंग 20 साल ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो यहाँ पे आपने बस आधा पैसा लगा के 10 साल में ख़त्म कर दिया, बाकी जो 20 ईयर्स के लिए फालतू का पैसा लगता वो यहाँ पे सेव हो गया आपका। उसके बाद प्रेयोजोसिस, जो हमारे सब्जेक्ट है, प्रेयोजकों से सहयोग की उम्मीद नहीं, सहयोग की उम्मीद नहीं। इसमें क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रयोजक, अगर लॉन्गिट्यूड मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉन्गिट्यूड मेथड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक जो लंबे समय के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि क्या पता पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाए, बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़े, तो वो जो ग्रुप की संख्या है ना वो कम होती चली जाएगी। तो इस मेथड में क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसके सहयोग की उम्मीद नहीं रखी जाती। अगर वो चला भी जाता है तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ग्रुप बना है वो हमने 8, 10, 12 यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को मिला के अपना ग्रुप बनाया है एक्सपेरिमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 8वीं क्लास का बच्चा लीव कर गया, ये ग्रुप से बाहर निकल गया, तो आपके पास बच गया 10वीं और 12वीं क्लास का बच्चा। तो आप जब 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे का एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेंगे, वहाँ पे आप जब इस मेथड के थ्रू जो भी आपको बिहेवियर ऑब्जर्व करना है वो कंप्लीट कर लेंगे, और जब लास्ट में आप उन दोनों का इवैल्यूएशन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि जितना डिफरेंसेस इन दोनों में आ रहा है, 10वीं और 12वीं के बीच में 2 साल का अंतर था, तो 10वीं और 8वीं के बीच में भी कितना था, 2 ही साल का अंतर था। जो डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं 2 साल के अंतराल में, वही डिफरेंसेस आपको 8 से 10वीं के बीच यानी कि 2 साल के अंतराल में देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली बच्चे ना होने के कारण भी आपके प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये जजमेंट दे सकते हैं कि 2 साल के बच्चे में यहाँ इतना डिफरेंस आया है तो 8वीं 10वीं में भी इतना ही डिफरेंस आया होगा, 6ठी और 8वीं में भी इतना ही डिफरेंस होगा। तो इस तरह की इवैल्यूएशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राप्त आंकड़ों को काफ़ी लंबे समय तक संग्रह करके नहीं रखना पड़ता। जो हमारे पास आंकड़ों का संग्रह होता है, आंकड़ों का संग्रह मतलब जो डाटा कलेक्शन होता है हमारे पास, वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रखना पड़ता। लॉन्गिट्यूड मेथड में अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट 30 साल के लिए करना पड़ रहा है तो आपको 30 साल तक वो आंकड़े संभाल के रखने पड़ते थे, और उस बीच अगर वो गुम हो जाए, जल जाए, हर तरह की कंडीशन आती हैं, वेदर चेंज होते हैं, बारिश, आंधी, तूफान, सब चीज़ें आती हैं, या फिर आप घर चेंज कर रहे हैं या कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये इसका बेनिफिट है और लॉन्गिट्यूड मेथड में एक हार्मफुल है कि वहाँ पे डीमेरिट है कि आपको लंबे समय के लिए डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इसका मेरिट है क्योंकि आपको लंबे समय के लिए डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। आप जो चीज़ लॉन्गिट्यूड मेथड के अकॉर्डिंग 30 सालों में करते हैं वो इस मेथड के थ्रू आप 10 सालों में कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको जो 20 ईयर्स की सेविंग होती है ईयर्स में, सालों में, वहाँ पे आपको लंबे समय के लिए कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं करना पड़ता है। अगर किसी बच्चे का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी गुण को आप नोटिस कर रहे हैं, उस पर इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो जो आपका 10 ईयर्स का पीरियड होता है या 20 ईयर्स का पीरियड होता है, उस बीच में आप जितनी भी बार इवेल्युएट करेंगे उससे प्राप्त जो हमारे आंकड़े होंगे, जो डाटा कलेक्शन होगा कि इस स्टेप में, इस एज में बच्चे ने इतना अचीवमेंट किया, इस तरह का बिहेवियर हुआ, सेकंड स्टेज में बच्चे में ये परिवर्तन आया, थर्ड स्टेज में बच्चे में ये परिवर्तन आया, भाषा में इतना विकास हुआ, चिंतन शक्ति में इतना विकास हो गया, बच्चा पहले बड़ा चाइल्डिश टाइप सोचता था किसी टॉपिक को लेके, अब बड़ा मैच्योरिटी लेवल के साथ सोचता है, उसमें लॉजिक्स होते हैं, कुछ उसके डेली लाइफ रिलेटेड उसके एग्जांपल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं,
आपको जो टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी, तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा डाटा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं, उसके दोष और डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका अवगुण, इस मेथड के जो अवगुण हैं वो ज़्यादा अच्छे मतलब इन द सेंस ये कि ज़्यादा नहीं है, मतलब अवगुण नहीं है ज़्यादा, इसके गुण ज़्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके इस मेथड के कोई अवगुण मुझे देखने को नहीं मिलते हैं, और जो भी मैंने बुक से रिलेटेड स्टडी की है इस मेथड के लिए, वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा अवगुण देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन इसमें जो एक मेन जो इसका अवगुण है वो ये है कि होने वाली परिवर्तन की दिशा का पता नहीं चलता है। परिवर्तन की दिशा का पता ना चलना, ओके? इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी बिहेवियर चेंज हो रहे हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिया था, हमारे पास एक ग्रुप है उसके अंदर 8वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं और 12वीं के बच्चे हैं, ठीक है? तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है 8वीं के बच्चे के अंदर, जो परिवर्तन हो रहा है 10वीं के बच्चे के अंदर, जो परिवर्तन हो रहा है 12वीं के बच्चे के अंदर, जो परिवर्तन हो रहा है उसमें ज़्यादा जो इसकी दिशा है, डायरेक्शन है परिवर्तन की, वो हमें पता नहीं चलती है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 3 बच्चों को रखा है, क्या पता ये बहुत स्लो लर्नर हो सकता है ना, और क्या पता 10वीं का बच्चा मिडवल हो, मतलब मिडल स्पीड से सीखने वाला हो, और क्या पता ये बहुत शार्प माइंडेड हो। तो इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा कि बच्चे की परिवर्तन यानी कि जो भी बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं आप उनका ठीक से इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो आपने पहला बच्चा ऐसा ले लिया जो पहले से ही लेवल में कम है, मतलब 8वीं का बच्चा है, बाकी के लेवल्स ऊपर हैं, और उसमें भी वो क्या है, स्लो लर्नर है। और उसके बाद आपने 10वीं का बच्चा ऐसा ले लिया जो मिडल स्पीड से सीखता है, और 12वीं का बच्चा ऑटोमेटिकली वो 12वीं स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, तो वहाँ पे क्या है, वो मेंटल एबिलिटी और बाकी चीज़ जो सारी उसमें डेवलप हो चुकी है वो उन चीज़ों में भी आगे है, और ऊपर से वो गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि शार्प माइंडेड और बहुत जल्दी अचीव करने वाला है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑल ओवर इसकी इवैल्यूएशन की जाएगी जब लास्ट में, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जो अगर हम एक ही बच्चे को रख कर ले, अगर 8वीं का भी मैं मिडल बच्चा लूँ, 9, 10वीं का भी मैं मिडल बच्चा लूँ, 12वीं का भी मैं मिडल बच्चा लूँ, तो उसके अंदर जो हम इवैल्यूएशन करेंगे किसी बिहेवियर को जज करते हुए, उसके डिफरेंसेस और इसके डिफरेंसेस तीनों का जब आप तुलना करेंगे तो दोनों और तीनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐसे बच्चों को ऐड कर लिया है जिनका खुद की मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, जो बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कोई बिल्कुल मिडल है, बहुत शार्प माइंडेड है, तो वहाँ तो ऑलरेडी डिफरेंसेस आएंगे ही, आपको भी पता है। तो इसके बाद क्या है, जो सेकंड आपका ग्रुप है जिसमें तीनों मिडल वल रखे हुए हैं आपने, तीनों मीडियम स्थिति से सीखने वाले हैं, मध्य स्थिति के बच्चे हैं, उनमें क्या है, इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसमें एक होता है ना 19-20 की स्थिति, कि मैंने अगर 4 भाषा शब्द सीखे हैं तो तू 5 भाषा शब्द सीख लेगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये तो केवल 5 ही सीख रहा है, ये 15 सीख गया, और ये तो सीधा हैट्रिक ही मार गया कि इसने तो 30 ही पार कर दिए, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो आपको आई होप क्रॉस सेशनल मेथड भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा, कि ताकि मैं भी आगे के लिए बहुत मोटिवेट रहूँ आपके साथ, कि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में, और बाकी के और जो एक्सपेरिमेंट्स और मेथड्स और बाकी के जो थ्योरीज वगैरह मैं लेकर आऊँ, तो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और मेथड्स और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके पढ़ाऊँ। और ज़्यादा वीडियोस अगर आपको देखनी है हमारे KVS से रिलेटेड, जो भी आपका अभी PRT, TGT और BGT के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, अभी कमिंग में आपका DSSB का भी एग्ज़ाम आ रहा है, जो उसके लिए भी हेल्पफुल है हमारी साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वन मोर थिंग, KVS के लिए जो हमारा PGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो, उसके लिए अगर आपको प्रॉपर कोर्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक और वेबसाइट अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।